आदमी ने एक कलाकार को अपनी पत्नी की पेंटिंग को बनाने के लिए कहा, लेकिन जब पेंटिंग बन गई तो आदमी ने केवल ड्राइंग बोर्ड पर एक नजर डाली। वो इतना क्रोधित था कि उसने कलाकार को मारकर जमीन पर गिरा दिया। और वह यही नहीं रुका, उसने उसके परिवार को भी भला बुरा कहा, फिर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। पेंटर की प्रेमिका ने हंगामा सुना तो वो बाहर आ गई, लेकिन जब उसने पेंटिंग देखी तो वह भी दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रेमी का दिमाग कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे अस्पताल ले गई। फिर डॉक्टरों ने पेंटिंग पर एक नजर डाली। बाद में उन्होंने कहा कि वो पिटने के लायक है। डॉक्टर हावत इसे देखने के बाद और भी अधिक अचंभित थे। पेंटर दिमागी बीमार है, नहीं तो वो उसे इस तरह से कैसे चित्रित कर सकता है। मुद्दा यह है कि चित्रकार यह कहता रहा कि यह उसके जीवन का सबसे संतोषजनक काम था और उसने जोर देकर कहा कि वो बीमार नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टरों का मानना है कि ये दृश्य भटकाव संभवतः ब्रेन ट्यूमर के कारण हुआ है। इसलिए हावत ने अपने सहायक से चित्रकार का MRI करवाने के लिए कहा। जैसे ही चित्रकार ने परीक्षण के बारे में सुना तो वो उसके लिए राजी नहीं था, लेकिन वो अपनी प्रेमिका द्वारा सहमति के रूप पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गया। लेकिन परीक्षण के परिणामों से पता चला कि इस बिंदु पर उसके मस्तिष्क के साथ कुछ भी गलत नहीं था। तीनों सहायकों ने सवाल उठाए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि चित्रकार चिकित्सा परीक्षा के लिए इतना प्रतिरोधी क्यों था। ये सुनकर हावत के